खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के पड़री खूटा टोला निवासी पूरन जायसवाल ने कहा कि मेरी बेटी राजमती की शादी धनहरा निवासी रमेश जायसवाल से की थी, जो कि दहेज के लालच में मेरी बेटी को 21 नवंबर को मारकर कुएं में डालने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाना से लेकर एसडीओपी और जिला एसपी तक की है। अब देखना है कि क्या पुलिस पूरन जायसवाल की मृतक बेटी के साथ हुए अत्याचार पर मौत के अंजाम पहुंची को न्याय की गुहार लगा रहा बाप को न्याय दिलाने में सफलता मिलती है या नहीं, कि मृतक का बाप न्याय की गुहार लगाता ही रह जाएगा और मृतक के साथ अत्याचार पर पुलिस मौन ही रहना पसंद करेगी। नमस्कार, नेशनल खबर 9 के साथ मैं चंद्रदेव शाह। मेरे साथ है पूरन प्रसाद जायसवाल। इनके साथ एक घटना घटी है। इनकी लड़की की शादी धनहरा गाँव में हुई थी और उस लड़की को इनका आरोप है कि उसे मार कर कुएं में डाल दिया गया और इन्होंने थाना माड़ा में थाना एसपी कार्यालय मोरवा और अनुविभागीय अधिकारी के पास मोरवा में जाकर के एसपी कार्यालय पैढ़न सिंगरौली में जाकर के इन्होंने अपना आवेदन दिया है और आज तक कोई कार्यवाही इन पर इनके पक्ष में नहीं हो रही है। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामला को उजागर करना चाहा है, आज ये अपना वक्तव्य देंगे। सर, आपके साथ कौन सी घटना घटी है? हमारे साथ हमारी लड़की को मार के कुआं में डाल दिए हैं सर, और उसका पता हमें कोई नहीं मिला। जब हम बीजपुर में थे साहब 21 तारीख को, वहाँ हमको कोई पता दिया तो वहाँ से जा रहे थे शिव पहरी के इस पार आते हुए, तब ले फोन चला गया। मेरे दामाद था साथ में, छोटा था, छोटा वाला दामाद और लड़की दोनों साथ में मोटरसाइकिल से आ रहे थे तीनों। तो शिव पहरी के इस पार फोन गया उस दामाद के पास, तो उसने बताया कि लाश तो चला गया पोस्टमार्टम की। उसी समय हमारा गेस्ट तो मार दिया हमको वो सुन कर, तो फिर 10-5 मिनट में उठे और वहाँ से चल दिए धनहरा गए जी। कि अब पोस्टमार्टम अब तक करा के वापस होंगे हम नहीं पहुँच पाएंगे जी, इसलिए नहीं गया वहाँ, धनहरा आए, धनहरा से फिर घर चल दिए, उसके घर नहीं गए सर। हमें कोई पता नहीं दिया तो उसके घर क्या करने जाएंगे, इसमें आकर के माड़ा रिपोर्ट देने गए तो थाने वाले कहते हैं तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिया जाएगा, उसका रिपोर्ट हो गया है। तो हमने सोचा कि भाई कल हमको आप मारने पीटने लगेंगे कि इतना दिन तुम कहाँ थे, अभी तक हमको सूचना नहीं दिया, इसलिए मैंने रुक गया। 7 बजे मेरा रिपोर्ट लिया गया वहाँ और मैं 8 बजे घर पे आया सर, यही हमारा विनती है। तो पुलिस वाले क्या बोल करके आपको भगा देते हैं? हमको कहते हैं जाओ तुम, हम तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने चल दिया सर। देखिए, पुलिस का इस तरह का रवैया है, किसी की लड़की की जान चली जाए और पुलिस क्या कहते हैं कि वो जो क्या कहते हैं कि जो जहां पर इनकी लड़की की शादी हुई है और वो सरपंच रहा है, अभी वर्तमान में उनका देवर सरपंच रहा है। तो ऐसी घटना बताइए कि कौन सी घटना ऐसी हो सकती है कि पैसे के दम पर, सोर्स के दम पर, फोर्स के दम पर वह मामले को दबा दें। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।